IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी लॉन्च की है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IOCL के इसी एडवर्टाइजमेंट की जो 16/12 की डेट पर पब्लिश हुई है, और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर वो नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 IOCL मार्केटिंग डिवीजन। ये जो वैकेंसीज हैं ये अप्रेंटिस ट्रेड के लिए हैं, अलग अलग स्टेट्स के लिए हैं और अलग अलग नंबर्स पे हैं। लगभग 1000 के आसपास ये वैकेंसीज आती हैं टोटल, इसीलिए मैं टोटल नंबर आपको कुछ एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग डाटा है, अलग अलग नंबर्स हैं। जिन स्टेट्स के लिए ये लॉन्च की गई हैं उसमें तमिलनाडु, पांडुचेरी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, UTF, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, UTF, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, UTF चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, UTF J&K, UTF लद्दाख, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर IOCL को अपनी अप्रेंटिस ट्रेनिंग करानी है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट मीटिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एंड अदर पैरामीटर्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर एक्ट 1961, 73, 92 इन द डिसिप्लिन मेंशन बिलो। अब हर स्टेट के लिए अलग अलग डिसिप्लिन में मांगे गए हैं और हर स्टेट का अपना अपना मामला है। जैसे आप सबसे पहले दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको दिल्ली का दिखा रहा हूं, उसके बेसिस पे आप बाकी स्टेट्स का समझ पाएंगे। इसमें अलग अलग कोड दिया है, जैसे 101 ये है टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, फिर 102 दिया है इलेक्ट्रिकल, फिर 103 दिया है इंस्ट्रूमेंटल, फिर उसके बाद अप्रेंटिस सिविल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पहले है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर फिटर है, फिर इलेक्ट्रिशियन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिर इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक है, फिर मशीनिस्ट है, फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस भी है। और सबके नंबर देखिए अलग अलग है, जैसे टोटल यहाँ पर ये सारा 101 से लेकर के 106 तक ये 70 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर 107 से लेकर के 110 तक 11 तक ये टोटल 27 है, और ग्रेजुएट्स के 28 हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर और अदर्स के आप देखेंगे तो 13 है। तो ये सारा कुछ अलग अलग है अलग अलग स्टेट्स के लिए, इसलिए मैं नंबर्स के बारे में कोई एक्चुअल फैक्चुअल डाटा आपको नहीं दे पा रहा हूँ। आप इस PDF को, इस नोटिफिकेशन को जब डाउनलोड करेंगे तो आपको डिटेल मिलेगी, उस डिटेल के हिसाब से आप समझ पाएंगे। अब रही बात ये PDF आप कहाँ से ले पाएंगे, तो PDF कहाँ से और कैसे ले पाएंगे उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक में आप जाएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ये PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लें, अपने कंसर्निंग स्टेट या वो स्टेट जहाँ से आप करना चाह रहे हैं, भरना चाह रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये PDF काफ़ी लंबा है, मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे ये उसके बाद हरियाणा दिख रहा होगा, इधर आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा होगा, आगे बढ़ाऊँगा तो आपको फिर दूसरे स्टेट्स और दिखेंगे, ये चंडीगढ़ दिख रहा होगा, इस तरफ राजस्थान दिख रहा होगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा तो J&K है, इधर UP दिख रहा होगा आपको, फिर आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ देखिए आप बिहार दिख रहा है, यहाँ उत्तराखंड दिख रहा है, यहाँ उड़ीसा दिख रहा है। ये हर स्टेट का अपना अपना डिटेल है इसमें, वेस्ट बंगाल का है, ये झारखंड का है, आप यहाँ पे आसाम का डिटेल देखेंगे या नागालैंड का डिटेल देखेंगे, सिक्किम का डिटेल यहाँ मिलेगा आपको, मिजोरम का डिटेल यहाँ मिलेगा, त्रिपुरा का यहाँ पर है डिटेल, मेघालय का यहाँ पर है, उसके बाद मणिपुर का ये है, फिर इस लाइन में आप देखेंगे वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, अंडमान, ये सारा कुछ यहाँ पर मिल जा रहा है एक साथ। साथ में वेस्ट बंगाल भी है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, असम है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, और इस तरफ अरुणाचल प्रदेश है, अंडमान निकोबार का यहाँ एक बार फिर है, मिजोरम का है, मेघालय का, मणिपुर, सबके अलग अलग ट्रेड के हिसाब से स्टेट्स के अलग अलग डिटेल्स हैं। आप जब इसको स्क्रॉल होते देख रहे होंगे तो आपको सारा कुछ दिख रहा होगा, पूरा डिटेल आपको PDF में मिल जाएगा, आपको मैं लिंक अवेलेबल करा रहा हूँ। और ये स्क्रॉल करके केवल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग है, कहीं 20 है, कहीं 5 है, कहीं 0 भी है, तो अलग अलग ट्रेड का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से ये आपका
जैसे छत्तीसगढ़ का आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी कम दिख रहा है, 15 वहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, अलग अलग वैकेंसीज हैं इसमें। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब उसके बाद इसको आपको और समझना होगा। और कैसे समझेंगे आप कि आपको हर कोड के हिसाब से रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बताई गई है। आप यहाँ देखिए प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये कोड नंबर 107108, हर एक का अपना कोड नंबर है, हर ट्रेड का अपना कोड नंबर है। तो उस कोड नंबर के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको अपने एप्लीकेशन को भेजना पड़ेगा। पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है वो 12 महीने का होगा और ट्रेड अप्रेंटिस का 6 महीने का होगा। सिलेक्शन के मेथोडोलॉजी क्या होगी? द सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन टेस्ट एंड मीटिंग द नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को टच कर रहे हैं या फुलफिल कर रहे हैं तो आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड विद ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड होगा एक आपका ऑनलाइन टेस्ट। और वहां से आपको 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन चुनने के बाद एक टेस्ट का पूरा रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका फिर सिलेक्शन इस पे किया जाएगा। अब ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए BA/BCom BSc BBA ये लिखा गया है। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए ग्रेजुएट जेनेरिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और बेसिक इंग्लिश का पेपर होगा। और ये जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड का होगा, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए होगा, उसमें एप्टीट्यूड का होगा, रीजनिंग का होगा, बेसिक इंग्लिश स्किल होगा। तो ये आपके जो एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेबस है एक तरह से। और फिर आपको आगे कुछ और बातें इसमें, हाउ टू अप्लाई के सेक्शन को आप देखेंगे तो आपको पूरा अप्लाई का प्रोसेस समझ में आ जाएगा, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। 16 दिसंबर से शुरू हो गया, 5 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है। आपका वेबसाइट यहाँ पर दिख रहा होगा IOCL.com apprenticeship, इसमें आप जाएंगे तो आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, वहाँ से आप इसको अपने आप को इनरोल कर पाएंगे। और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं जो मैं आपको शेयर करूँ, क्योंकि आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इस पूरे नोटिफिकेशन को। और नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आपके लिए जो सुटेबल हो और जहां आप अप्लाई करना चाहते हो उसके हिसाब से आप अप्लाई करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।